सो गाइज, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार मेरे मोबाइल में एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं आ रहा, बट यार मैं एंड्रॉयड 12 के फीचर कैसे यूज करूँगा। तो गाइज, इसी के लिए मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें कि आपको एक एंड्रॉयड 12 का फीचर मिल जाता है, जो कि आगे आने वाले एंड्रॉयड 12 के अपडेट में आप सबके लिए मिलने वाला है। वो फीचर मैं आप सबके लिए पहले ही प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। और गाइज, एंड्रॉयड 12 में जो जो भी आने वाला है वो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि एंड्रॉयड 12 में क्या क्या न्यू आने वाला है, क्या क्या आप सबके लिए मिलेगा, तो वो हमें नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज, आज की जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, और अगर आपने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 30 लाइक्स का टारगेट है यार आज की वीडियो पर। तो उम्मीद है आप सब पूरा कर देंगे, 30 लाइक्स है यार, फटाफट पूरा कर दो, कोई देर नहीं लगने वाली आप सबके लिए। तो गाइस लाइक कर देना, ठीक है। तो और आप हमारे अबाउट पेज से जाके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और होम पेज से जाके ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आप सभी का दोस्त श्रीकांत। डाउनलोड कहाँ से करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए मिलेगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है लिंक तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके हमारे इस यूट्यूब चैनल के नाम को सर्च कर सकते हैं, एसपीटेक ऑफ ब्लाइंड बट विदाउट स्पेस। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आप सभी का दोस्त श्रीकांत। सो चलिए गाइस, हम चलते हैं उस एप्लीकेशन में, आप सबके लिए बता देते हैं इसे कैसे यूज करना है। तो आज वॉइस थोड़ा स्लो आ सकती है क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब थी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ इस एप्लीकेशन में, इसका नाम है प्राइवेसी डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं इसका नाम है प्राइवेसी डैशबोर्ड। और दोस्तों ये बिल्कुल ही इंडियन एप्लीकेशन है, तो आप इससे कोई डर कर मत यूज कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपकी मतलब प्राइवेसी जो आपको एंड्रॉयड 12 में मिलने वाली है वो आपको पहले ही फीचर दे देने वाला है। चलिए so ये ऑटो स्टार्ट की परमिशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पर सेटअप पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद हमें ये वॉच न्यू दिखाएगा, जो भी दिखा रहा है इसको हमें डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर कर्सर आता है रिफ्रेश बटन, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के वो कुछ भी, तो यहाँ से आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं जो थीम रहती है एप्लीकेशन के अंदर। व्हाट्स न्यू, यहाँ से अपडेट वगैरह देख सकते होंगे यार जो भी हो। यहाँ से लोकेशन एक्सेस की परमिशन मांगेगा आपसे, देख सकते हैं। सो ये लॉग करने के लिए हमसे एक मतलब परमिशन मांग रहा है लोकेशन एक्सेस की, हम सिंपली इसको बाय कर देंगे। उसके बाद App requires accessibility permission to log camera and microphone usage. This is done to avoid having access to camera and microphone for privacy. सो ये हमारे कैमरा और माइक्रोफोन के लिए यूज करने के लिए हमारे एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग मांग रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग इसके लिए दे देंगे। सो चलिए हम यहाँ से इसको परमिशन दे देते हैं, और जब तक मैं परमिशन दे रहा हूँ तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर परमिशन दे दी है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है लोकेशन नॉट यूज टुडे, कैमरा नॉट यूज टुडे, माइक्रोफोन नॉट यूज टुडे। सो यहाँ पर ये सब देखेगा, जो जो आज आपने यूज नहीं किया, जो जो यूज कर लिया होगा वो वहाँ पर देखेगा कि आज आपने कितने बार किस चीज का यूज किया है, ठीक है गाइस। और sensors, यहाँ से आप अपनी सेटिंग में जाके सेंसर वगैरह देख सकते होंगे, बट ये हमारे ज्यादा काम की नहीं है गाइस, ठीक है। App settings, manage app themes, permissions, etc. So, यहाँ से एप्लीकेशन की सेटिंग में जा सकते हैं, अभी हम बाद में जाएंगे इसके अंदर। Donate, support the development. यहाँ से आप इनको डोनेट वगैरह कर सकते हैं। Button, get up, button.
गेटअप फिर कुछ टेलीग्राम बटन, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं इनका ग्रुप या चैनल होगा जो भी बटन, ट्विटर, बटन, ट्विटर जो भी है जिसने भी ये डेवलप किया है एप्लीकेशन को उनका नाम आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर वर्जन देखेगा और गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं चली ऐप सेटिंग में चलेंगे और ऐप सेटिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी सेटिंग है फ्रेंड तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए हम यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। सबसे पहले बता दूंगा गाइस ये प्राइवेसी का फीचर आपको एंड्रॉइड 12 का देता है जो कि आगे चल के आपको एंड्रॉइड 12 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस आपको पहले ही मिलने वाला है और गाइस ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी इंडियन है ठीक है बिल्कुल ही है ना। यहाँ पर थीम है जो सिस्टम डिफॉल्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। Privacy indicators. When permission is in use, respective icon will be displayed in top dash right corner. So, यहाँ पर आपकी राइट में मतलब नोटिफिकेशन देखिए इसे आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं तो हम तो इसे ऑफ करेंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए राइट में कोई भी नोटिफिकेशन का लोगो तो हमें तो सिर्फ नोटिफिकेशन देखना है ना तो हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए ठीक है। Indicator customization. Notification alert. When enabled, you will receive a notification whenever a permission is being used. So, ये हमें नोटिफिकेशन देगा ऑटोमेटिकली आपका पहले से ऑफ रहेगा गाइस तो इसे आपको ऑन करना है तभी ये आपका एप्लीकेशन काम करेगा। जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये हमें नोटिफिकेशन दे देगा ठीक है गाइस। नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन उसके बाद हमें मिल जाता है नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये अनलेबल बटन है जो ये बैक बटन है ठीक है नेविगेट अप बटन मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए है ना। नोटिफिकेशन continuous notification continuous notification if enabled app will show a continuous notification when permission is being used which will then disappear after permission usage is stopped. So guys यहाँ पर ये है जो कि इसका मतलब है कि परमिशन मतलब जैसे कि आप अपने नोटिफिकेशन सेट से क्लियर और नोटिफिकेशन कर देते हो तो अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो आपकी जो भी कैमरा वगैरह यूज करने की नोटिफिकेशन रहेगी वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो आपकी जो भी क्लियर और नोटिफिकेशन भी कर देंगे फिर भी आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर नहीं होगी है ना। उसके बाद ये ऑन ही है ठीक है उसके बाद app icon if enabled app icon will be displayed in the notification for respective permission usage. तो जो भी हमारी नोटिफिकेशन आए तो मतलब उसका ऐप आइकॉन भी दिखना चाहिए इसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं वैसे मैं ऑन ही रखूंगा आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहे दिखाना तो। ये Open app info on click. If enabled, app info page will be opened instead of log for the permission. So ये आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं जो भी आपको करना हो ऐप इन्फो ओपन हो डायरेक्ट है ना। उसके बाद हम बैक चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या फीचर है। exclude apps from indicator, notification or log. So guys, इसका मतलब ये है एक्सक्लूड ऐप का मतलब कि आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो उसमें जब भी आप कैमरा या परमिशन जो भी यूज करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ये नहीं देगा है ना। तो आप इसे ऑफ या ऑन कुछ भी कर सकते हैं जो जैसे आपकी मर्जी ऑफ ऑन का नहीं है आप यहाँ पर शायद एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है गाइस जो जो भी आप यूज करेंगे और उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते हैं तो। So, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ऑफ या ऑन कर सकते हो और उसके बाद लोकेशन एक्सेस दिस परमिशन इज यूज्ड टू लॉग द लोकेशन ऐप यूजेज ये परमिशन हमारी कैमरा मतलब की लोकेशन एक्सेस दिस परमिशन इज यूज्ड टू लॉग द लोकेशन ऐप यूजेज लोकेशन ऐप यूजेज के लिए परमिशन मांग रहा है ठीक है। ऐप लिमिटेशन क्लिक हियर टू नो अबाउट ऐप लिमिटेशंस यहाँ से ये ऐप लिमिटेशन है जो भी है ये कोई काम का नहीं है यहाँ से नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं। Delete all logs. Clear all app usage logs for all permissions. यहाँ से डिलीट ऑल लॉग कर सकते हैं। Change log. See what's new. Change log देख सकते हैं। Telegram, Twitter कुछ भी नहीं हुआ। So चलिए गाइस हमें यहाँ से बैक करते हैं और आपके लिए इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है टेस्ट करने के लिए हम कुछ भी ओपन करेंगे मतलब यहाँ पर कुछ मैं ओपन कर लूँगा है ना। कैमरा ओपन कर लेता हूँ है ना तो कैमरा की देखते हैं हम एक बार कि हमें ये दिखाएगा या नहीं। Camera close lens BTN click lens. So चलिए गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ से फोटो भी क्लिक कर देता हूँ है ना। So ये हमारी फोटो हमने क्लिक कर दी है अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमें नोटिफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है।
सो गाइस अभी तक तो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन ये प्राइवेसी डैशबोर्ड नोटिफिकेशन कॉल एंड प्राइवेसी डैशबोर्ड इज रनिंग इन द बैकग्राउंड तो ये तो रनिंग बैकग्राउंड का है गाइस सो यहाँ पर अभी तक तो हमें कोई परमिशन की नोटिफिकेशन नहीं मिली एक मिनट एक साइड और देख लेता हूँ एक मिनट गाइस WhatsApp is 9 colon tele WhatsApp match notification. So guys, अभी यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है हमें जाना पड़ेगा notification सेड में तो एक मिनट guys, sorry यार मेरे को मैं आपको live proof दिखाता हूँ मैं अपनी notification को clear करता हूँ उसके बाद आप लोग के लिए दिखाता हूँ बट ये आपके मोबाइल में 100% वर्क करेगा आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं ठीक है गाइस तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आप सबके लिए बट आपको थोड़ी देर भी नहीं लगेगी मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा आप क्या है स्टार्ट हो जाएगी ठीक है मैं जोड़ दूंगा वीडियो सो गाइस जैसे ही आप मतलब इसको करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल को तो मैंने ये रीस्टार्ट किया अपने मोबाइल को तो ये ट्रिक हमारी मतलब एप्लीकेशन वर्क करने लगा जैसे कि अभी मैं नोटिफिकेशन में नहीं जाता हूँ डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको लिए दिखा देता हूँ है ना तो थोड़ा एक बार आप रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा अपने मोबाइल को अगर देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है कैमरा यूज बाय वन ऐप टुडे परमिशन हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं यहाँ से सभी परमिशन को कैमरा यूसेज टाइमलाइन ऑफ व्हेन ऐप्स यूज्ड योर कैमरा परमिशन 1 ऑफ 3 एंड लिस्ट टुडे 09:15 PM कैमरा स्टॉप 2 ऑफ 3 ये स्टार्ट और स्टॉप की पूरा टाइमिंग दिखाएगा 09:15 PM कैमरा स्टार्टेड 3 ऑफ 3 देख सकते हैं यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं तो यही सब था गाइस इस एप्लीकेशन में और ज्यादा कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ यार सो गाइस आज की इस वीडियो में यही सब था आप सबके लिए हमने एंड्रॉयड टोल के फीचर एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड में रह के प्रोवाइड करवा दिए हैं तो आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और उससे पहले आप हमारे अबाउट पेज से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना मिलते हैं गाइस किसी और न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद